में हुआ जब भारद्वाज, और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। एक बार फिर उसी नौजवान से मिलवाना चाहूँगा, हरियाणा पुलिस के जो वीरेंद्र, हरियाणा पुलिस में तैनात है यहाँ पर जींद में, जो रानी तालाब पर है यहाँ लोकेशन हमारी, जिन्होंने कहा था कि जिनके एक बार कहने से हरियाणा में क्रांति आई थी, उसी के माध्यम से एक बार फिर आए हैं। वीरेंद्र जी राम राम। राम राम जी, कैसे हो भाई? भाई बहुत ठीक है। क्या कहना चाहेंगे, एक बार फिर 3 मई के लिए पूरे भारत को बंद कर दिया गया है, किस तरह के पुख्ता प्रबंध फिर दोबारा से किए गए यहाँ जींद के अंदर? भाई अपने देश के प्रधानमंत्री ने अपील की है, मतलब कोरोना के लक्षण ज्यादा बढ़ते दिखा तो इसलिए लॉकडाउन ज्यादा बढ़ाया गया है। और मैं युवा से ये अपील करना चाहता हूँ, हमारे देश का युवा किसी से कम नहीं है, और ये अपने बुजुर्गों के घर रह कर भी वो कर सकते हैं सेवा। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, अपने हरियाणा की बात करते हैं, एक देशा में देश हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना, आप भी पूरे लंबे ठाडे, कुश्ती वगैरह करते हैं क्या सर आप? बस वैसे ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं भाई साहब। बिल्कुल। अपने हरियाणा के नौजवान की बात करते हैं, घर पर रह करके काफ़ी कमेंट आते हैं कि हम बोर हो गए, हम यह हो गया, लेकिन उनको आप समझाएं कि वो घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, क्या संदेश? हाँ भाई, अपने घर पर रहकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, योग भी कर सकते हैं, लेकिन बोर का कोई काम नहीं है, जैसे हमारे बुजुर्ग उनकी भी सेवा कर सकते हैं। और अपना तो वैसे हरियाणा भी फेमस है दूध दही का खाना है भाई, तो वैसे मस्त रहो मैं भाई, अपने घर आ रहा हूँ, एक्सरसाइज करो थोड़ी बहुत है, तो वैसे टाइम कट जाएगा और शरीर भी ठीक रहोगा, योग भी करोगे तो। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं न धूप की परवाह है यहाँ पर, हरियाणा पुलिस के जो नौजवान तैनात है यहाँ पर। वीरेंद्र जी काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं ग्राउंड मीडिया चैनल के ऊपर, कई बार गरीब लोग भी परेशान हो चुके हैं अभी लॉकडाउन की वजह से, भी बात करते हैं वो, उनकी कईयों की मानसिकता ऐसी हो जाती है कि वो हरियाणा पुलिस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि कुछ उनको ज़्यादा ही टॉर्चर किया जाता है, लेकिन वो उनकी मानसिकता है। यदि इस टाइम पर हरियाणा पुलिस सुरक्षा नहीं करेगी तो देश के अंदर अव्यवस्था फैल जाएगी, हरियाणा के अंदर अव्यवस्था फैल जाएगी। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे उनको आप? भाई हम किसी को टॉर्चर करने के लिए खड़े नहीं, हम भी समाज से ही हैं। जी जी। और हम इसलिए बाहर खड़े हैं ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, घर पर रहे, सुरक्षित रहेगा। और हम किसी का वैसे किसी का टॉर्चर नहीं करते, अगर कोई आता है जैसे मेडिकल में जाता है और कोई ड्यूटी जाता है तो उसको हम पूरा कोऑपरेट करते हैं कि जाइए आप, और अगर कोई बिना हेलमेट आता है हम उसको समझाते हैं कि आप प्लीज़ हेलमेट पहन लीजिए, दुर्घटना बलि से बचाओ अच्छा है। बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वीरेंद्र जी बड़े प्यार से फिर भी जनता को समझाते हैं, हेलमेट नहीं पहने हुए हैं फिर भी कहते हैं कि आप हेलमेट पहनिए, चालान नहीं काटते हैं, लिए इनकी मतलब कहें कि मोटिवेट करने की प्रक्रिया हमेशा से ही ऐसे ही हैं, मोटिवेट करते रहे हैं। पहले भी ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से हमने दिखाया था, इनके एक बार कहने से हमारे जो ग्राउंड मीडिया के जो व्यूअरशिप थी काफ़ी अच्छी आई थी, और एक बार प्रयास किया था कि इनका हम संदेश लें अच्छे से। तो आप लास्ट में वीरेंद्र जी, क्या ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से हरियाणा वासियों को, जींद वासियों को क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे सर? हम ये संदेश छोड़ना चाहते, ये बहुत ही घातक बीमारी है, अगर ये एक बार फैल गई ना तो बहुत ही वो मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल। इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ हरियाणा वासियों से, अपने घर पर ही रहो और सुरक्षित रहो। बिल्कुल। और जय भारत जय हरियाणा। बिल्कुल, जय भारत जय हरियाणा का नारा। और मुश्किल की घड़ी हो जाएगी यदि आप घर से निकलेंगे, तो आप मुश्किल की घड़ी से बचने के लिए, इस देश को सुरक्षित रखने के लिए आप अपने घर पर ही रहिए, आप स्वस्थ रहेंगे तो समाज स्वस्थ रहेगा, यह देश स्वस्थ रहेगा। आपसे मेरा निवेदन है कि आप घर से न निकले बगैर कोई भी काम, यदि कोई ज़रूरी इमरजेंसी है तब भी आप निकले। ग्राउंड मीडिया की जो ग्राउंड की रिपोर्ट हम इसी प्रकार से देते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए जिला जींद से मैं जय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।